Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places and following all the instructions and guidance given by our government. So today we are going to continue with our chapter 2 of history, that is New Kings and Kingdoms, and this is our part 5. Okay, in our last class we have talked about agriculture and irrigation under Chola dynasty. Okay, sculptures के बारे में पढ़ा, Chola dynasty में sculptures क्या importance देते थे, क्या उनका importance था. Okay, so today we are going to start with the administration of the empire. What is the meaning of administration? Something which is manageable. Okay, something which is managed. Okay, जब आपको manage करते हो कुछ चीजों को उसको हम administration बोलते हैं. तो जो empire क्या होता है, empire के अंदर बहुत से kingdoms होते हैं, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे ऐसे किंगडम्स होते हैं और बहुत सारे किंगडम्स मिलके क्या है, एम्पायर बनता है. सो चोला डायनेस्टी का एम्पायर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, मतलब कि जो पीजेंट्स की सेटलमेंट्स होती थी, उनकी वेजेस होती थी या फिर उनका उनको पैसे देने होते थे या लोन देना होता था या उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, उसको हम क्या बोलते थे, नॉन एज उर बोला करते थे वो लोग. बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, और वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो चुके थे किसकी वजह से, एग्रीकल्चर में इरिगेशन की वजह से. कि अब चोला डायनेस्टी हमने पढ़ा कि चोला डायनेस्टी इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम कर रही थी और उनका जो अचीवमेंट्स भी थी एग्रीकल्चर की वजह से ही थी. तो अब पीजेंट्स भी हैप्पी होंगे, क्यों, क्योंकि उनका जो इरिगेशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है. अब उनसे उनकी क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, स्प्रेड हो रही थी. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, जो ऐसे विलेजेस हैं, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, वो बहुत ही ज्यादा लार्जर यूनिट्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नाडू बोलते हैं. और क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को हम उर बोलते हैं. द विलेज काउंसिल्स अंडर नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. जो विलेज काउंसिल होता था, विलेज के जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, एक काउंसिल बनाते थे, एक अपनी टीम बनाते थे, और जो नाडूज होते थे, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, ठीक है, उनके जो काउंसिल्स हैं वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, जस्टिस देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई उसे सॉल्व करना, ये कौन करता था, नाडूज और विलेज काउंसिल्स. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट, वेलाला अब चोला डायनेस्टी में वहां पे कुछ विलेजेस में एक कास्ट होती होगी वेलाला, जो रिच पीजेंट्स थे जिनकी कास्ट वेलाला थी, एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. अब जैसे कि हमारे आज के प्रेजेंट डे में डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वैसे ही उस टाइम पे क्या होता था, जो चोला गवर्नमेंट थी, जो मेन चोला गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो रिच पीजेंट्स थे जो वेलाला कास्ट से बिलोंग करते थे, वो नाडू के अफेयर्स में, ठीक है, नाडू के अंडर क्या करते थे, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, नाडू के अफेयर्स को, मतलब विलेजेस के जो विलेजेस का ग्रुप्स था उनको देखते थे, ठीक है, उनके पास पावर थी कि हम नाडू को अच्छे से देख सके, किसके सुपरविजन में, चोला गवर्नमेंट, जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट थी उनके उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में. द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टोटल्स लाइक मुवेंडा वेलन. चोला किंग्स ने रिच लैंड ऑनर्स को कुछ टाइटल्स दिए हैं, जैसे मुवेंडा वेलन, वेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स. मुवेंडा वेलन क्या होता है, एक ऐसा पीजेंट, वेलन का मतलब होता है पीजेंट, फार्मर, ठीक है, एक ऐसा वेलन जो तीन किंग्स को सर्व कर रहा है, थ्री किंग्स को सर्व कर रहा है, थ्री किंग्स के अंडर काम कर रहा है. अरायर, चीफ को अरायर बोला गया, एटसेट्रा, ठीक है. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट
and entrusted them with important offices of the state at the center. The Chola king ne kya diya, land owners ko title de diya Movinda Velan, theek hai, Arai chiefs ko de diya title Araiyar, theek hai. To aise hi unhone kuch Chola kings ne kuch logo ko kya kar diya, kuch टाइटल्स दे दिए और अपने अंडर कुछ ट्रस्ट वाले ऑफिसर्स बना दिए थे और उसके सेंटर्स बना दिए. नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. जैसे साउथ इंडिया में बहुत से जो पार्ट्स थे, ठीक है, ब्राह्मण्स जो रहते थे, ठीक है, वो कावेरी वैली के पास में रहते थे. Each Brahmadeya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmin landowners. अब आप बोलोगे मैम ये Brahmadeya क्या वर्ड है, नया वर्ड हमने सुना है. सो बेटा चोला inscriptions में है ना, inscriptions जो walls वगैरह में लिखा होता है उसमें ना कुछ lands की categories given है, ठीक है. जैसे वेलन बगाई land of non-Brahmin peasants, जो non-Brahmin peasants थे उनकी land को क्या बोला गया है, वेलन बगाई बोला गया है, ठीक है. और ब्रह्मा देया का मतलब क्या है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ऐसी लैंड्स जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई हो उसको बोला गया है ब्रह्मा देया. क्या बोला गया है, ब्रह्मा देया बोला गया है, ठीक है. ये आपके बुक में एक पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 26 में, उसमें गिवन है, ठीक है, उनके मीनिंग्स गिवन है. और शाला भोगा किसका दिया गया है, लैंड फॉर द शाला क्या होता है, स्कूल के लिए बोलते हैं ना पाठशाला, वैसे ही शाला भोगा स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दी गई है उसको शाला भोगा बोला गया है. देवादना और तिरुन मट्टुकानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स को जो लैंड गिफ्ट की गई है उसको देवदाना बोला गया है. देव हम देव को पूछते हैं उससे आप याद रख सकते हो देवदाना. और पाली चंदनम लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, और कुछ लैंड्स जैन इंस्टीट्यूशंस को भी गिफ्ट की गई थी उसको क्या बोला गया, लैंड पाली चंदनम बोला गया है, ठीक है. तो जो भी ब्रह्मद्या था, ईच ब्रह्मद्या वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली, जो भी लैंड हम ब्राह्मण्स को गिफ्ट करते थे उसको कौन लुक आफ्टर करता था, एक असेंबली जिसको हम सभा बोलते हैं, और उस सभा में कौन होते थे, ब्राह्मण लैंडलॉर्ड लैंड होल्डर्स होते थे. दीज असेंबलीज वर्क्ड वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से काम करती थी. देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एटसेट्रा. उनके जो डिसीजंस हैं रिकॉर्ड किए जाते थे इंस्क्रिप्शंस में, एकदम डिटेल्ड में लिखा जाता था, स्टोन्स में लिखे जाते थे, वॉल्स स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स के वॉल्स में लिखे जाते थे, ठीक है. Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. जो traders होते थे उनकी भी एक association थी, ठीक है, committee थी, उसको क्या बोला गया है, first of उसको क्या बोला गया है, नागाराम्स बोला गया है. वो भी क्या है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते थे उसको टाउन्स में क्या करते थे, परफॉर्म करते थे. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरा मैरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड. उत्तरा मेरूर चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलपुर, वहां पे उत्तरा मेरूर उसके गांव का नाम है उत्तरा मेरूर, ठीक है. वो सभा की कुछ डिटेल्स उनके पास बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आज की डेट में भी अच्छे से रखी हुई है. द सभा हैड सेपरेट कमिटीज होती थी कि इरिगेशन का वर्क कौन करेगा, गार्डन का वर्क कौन देखेगा, टेम्पल्स का वर्क कौन देखेगा. तो ये स्पेशल कमिटीज होती थी कि अगर हमें टेम्पल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हमें टेम्पल्स के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, टेम्पल्स में जितने भी वर्क करे उनकी सैलरी देनी है या जो भी ये सारे काम होते थे, तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बनी हुई थी. टेम्पल के लिए अलग कमेटी है, गार्डन के वर्क के लिए अलग कमेटी बनी हुई है, इरिगेशन के लिए अलग कमेटी बनी हुई है, ठीक है. ये सभा जो थी ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कामों के लिए बनी हुई थी. नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव्स.
जो भी एलिजिबल होते थे, ठीक है, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज, जो इन जो कमिटीज बनती थी, ये ब्रह्मद्य का जो वर्क लुक आफ्टर करते थे, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे, इनकी जो कमिटीज बनती थी जो अलग अलग वर्क्स के लिए, वो कैसे बनती थी, उसको क्या किया जाता था, एक पाम लीव्स में छोटी सी टिकट में उनका नाम लिखा जाता था, फिर इन टिकट्स को एक पॉट में रखा जाता था, ठीक है, पॉट में रखते थे, फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड, जिससे कि एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था और टिकट्स निकाली जाती थी। जैसे हम आज के डेट में क्या है, बहुत से ऐसे गेम्स खेलते ना, जैसे सपोज पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं, उसके बाद एक पॉट में है ना बहुत सारी अगर चिट्स रखी होती है, आप निकालते हो और आपकी पनिशमेंट या आपका जो भी उसमें लिखा होता है आपको करना होता है। तो जस्ट लाइक दैट ये क्या करते थे, एक अपना जो कमिटी बनती थी कि इस कमिटी में कौन कौन मेंबर्स होएगा, ये लॉटरी सिस्टम जैसा होता था कि पाम लीव में वो नेम्स लिख देते थे और एक छोटे से बच्चे को बुलाते थे और उसमें से वो टिकट निकलवाते थे और वो फिर उस कमिटी का मेंबर बन जाता था, ठीक है। Now this is the last topic, China under the Tang dynasty. China की एक dynasty का नाम है Tang dynasty. क्या नाम है? Tang dynasty. In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 years. China में एक जो empire था वो established था Tang dynasty के under, जो power में रहा था, कब तक power में रहा था? 300 years तक वो mostly power में रहा था, from 7th to 10th century. Its capital Xi'an was one of the largest cities in the world, visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese and Koreans. जो इसकी जो कैपिटल सिटी थी टैंग डायनेस्टी की, ज़ायन, ठीक है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी था और वर्ल्ड के बहुत से लोग, उस टाइम की बात बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो है इसको विजिट करते थे, जैसे टर्किश लोग हो गए, ईरानियंस जो थे, जापानीज, कोरियंस और इंडियंस वहां पे विजिट करके आए थे। द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्टर्ड बाई अ ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। जो टैंग एम्पायर था वो कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया था, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जहाँ पे ऑफिसर्स में वर्क करते हैं उनको आप अभी के लिए समझ लो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेसी रिक्रूट करते थे और वो लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। अब जैसे आज की डेट में क्या होता है हमारे इंडिया में, अगर जो आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, ये आरएएस कौन बनेगा, इसके लिए एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे वैसे ही उस टाइम भी एडमिनिस्टर वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए एग्जामिनेशन होता था, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपेयर फॉर इट, जो सबके लिए ओपन था, जो उसे क्लियर करना चाहते हैं, जो वाला वर्क करना चाहते हैं, एंड दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। और ये जो सिलेक्शन सिस्टम था, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू, ये बहुत टाइम तक रहा, टिल 1911 तक रहा था, ठीक है। नाउ अभी हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की थी चोला डायनेस्टी के अंडर, कि उसकी उसमें क्या होता था, लॉटरी सिस्टम होता था, ब्रह्मद्य कमिटी कौन चूज करता था, कि उन्होंने जो भी विश, कुछ सिलेक्टेड लोग ही थे जो विश करते थे कि हम कर, जैसे कि उनकी एज जो है, ठीक है, वो 70 इयर्स की होनी चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसे इंडिया में क्या होता था उस चोला डायनेस्टी में, हमने पढ़ा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, इनके एलिजिबिलिटी होती थी। बट ये जो टैंग डायनेस्टी में देख रहे हैं वो क्या करते थे, वो लोगों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करते थे, ठीक है, कि जो एडमिनिस्टर में आना चाहता है वो एग्जाम दीजिए और एग्जाम में अगर आप क्लियर हो जाते हो तो फिर उससे वो उस सिस्टम में आ सकता है। तो इट इज क्वाइट डिफरेंट कि वहां पे तो लॉटरी सिस्टम चल रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वाइल जो चाइना में था वो क्या हो रहा था, वो सिलेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है।